करौली में परिणय सूत्र में बंधे 31 जोड़े। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सोमवार को रुदौली ब्लॉक परिसर में सामूहिक विवाह का आयोजन हुआ। इसमें 30 जोड़े विवाह के बंधन में मंडप के साथ फेरे लिए और एक जोड़े का निकाह हुआ। रुदौली की 15, मवई की 11 व अमानीगंज ब्लॉक में 5 नव दंपतियों को गृहस्थी का सामान और आशीर्वाद देकर विदा किया गया। मुख्य अतिथि विधायक रामचंद्र यादव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की इस पहल से देश की बेटियों व नारियों को शक्ति का बल मिलता है। सरकार अंतिम व्यक्ति को समाज की मुख्यधारा से जोड़कर लाभ पहुंचाने को संकल्पित है। इस सामूहिक विवाह के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक पौधा माँ के नाम के क्रम में सभी जोड़ों को एक एक पौधा आरोपित करने के लिए दिया गया। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख शिल्पी सिंह, SDM प्रवीण यादव, BDO अखिलेश गुप्ता व अनुपम वर्मा ने परिणय सूत्र में बंधने वाले सभी वर वधुओं के सुखमय जीवन की कामना करते हुए आशीर्वाद प्रदान किया। इस अवसर पर रण विजय सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार पांडे खुन्नू, सहायक विकास अधिकारी ISB भगवान दीन, सहायक विकास अधिकारी समाज कल्याण रबीश मिश्रा, शिव गोविंद पांडे जिला उपाध्यक्ष भाजपा ने स्वागत किया। का दिन हम सब के लिए सौभाग्यशाली दिन है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना से हमारे इस क्षेत्र की बेटियों की शादी का जो एक कार्यक्रम योगी सरकार में चल रहा है, आचार संहिता समाप्त होते ही रुदौली विधानसभा के रुदौली सभागार में, रुदौली के इस प्रांगण में हमारी 31 बेटियों की शादी का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मैं इस पूरी कार्य के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार का अभिनंदन करता हूं, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री का अभिनंदन करता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण मंत्री श्रीमान आसिम अरुण जी का अभिनंदन करता हूं, और मैं अपनी तरफ से, अपने क्षेत्र की तरफ से, क्षेत्र की माताओं बहनों की तरफ से, नौजवानों की तरफ से, आमजन की तरफ से यहाँ पर इस पंडाल में जिन नौ दंपतियों का आज शादी का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ, उन्हें बधाई देता हूँ। माँ कामाख्या से प्रार्थना करता हूँ कि निश्चित रूप से आज का यह दिन जहाँ पर 31 जोड़ों ने, 31 नौ दंपतियों ने एक दूसरे को स्वीकार किया है, उनका जीवन खुशहाल रहे, उनके जीवन में खुशहाली बरसती रहे, ऐसी माँ की कृपा हो। निश्चित रूप से यह हम सब के लिए खास तौर से गौरवशाली दिन है, जब एक मजदूर की बेटी, एक गरीब परिवार की बेटी की शादी का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश की सरकार के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश सरकार की एक व्यवस्था में संपन्न हुआ, और उसमें हमारे मवई के 11 जोड़े, हमारे रुदौली के 15 जोड़े और 5 अमानीगंज के, ऐसे 31 जोड़ों का आज यहां पर कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मुझे लगता है कार्यक्रम था मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह आयोजना, अरे मतलब जो मुख्यमंत्री जी जो कर रहे हैं गरीब दंपतियों को विवाह कराना, ये इनके लिए मेरा भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। सरकार के लिए यही कहूँगी कि जो काम कर रहे हैं सरकार कर रही है हमारी, तो बहुत ही सराहनीय है, बहुत अच्छा काम है ये सब, और भी सरकारों में इतना सब नहीं देखा गया है। कैसी रही व्यवस्था? बहुत अच्छी रही सब। क्या नाम आपका? हमारा नाम रुदौली ब्लॉक प्रमुख शिल्पी सिंह।